हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की हमारी दूसरी क्लास है, एम सीरीज़ के नाम से इस क्लासेस को बनाया गया है। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब उसके मैं आपको MCQ करवाऊंगी, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग ये वेट कर रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करें, तो फिर उसके बाद बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि चुनावी समय है, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होंगे। हो सकता है 15 अगस्त के पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, या बाद में भी आएगा तो आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम होना कन्फर्म है। तो आप लोगों को अभी से ही तैयारी करने लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो लोग भी इसमें बिल्कुल सफलता पाना ही चाहते हैं 100%, तो वो अभी से ही लग जाइए। आज की जो क्लासेस है छोटी क्लास रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शिशु अवस्था की विभिन्न मुद्राएं हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो शिशु है वो कब किस अवस्था में खड़ा हो पाता है, किस अवस्था में अपना जो सबसे पहले हाथ पांव कब चलाता है, या बैठना कब सीखता है। तो ये सभी मुद्राएं जो है वो आज की वीडियो में करेंगे। एम सीरीज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसका पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले भ्रूण जैसी मुद्रा, भ्रूण जिस तरह से भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, जिस तरह से भ्रूण इस तरह से लेटा हुआ होता है उसको हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। और ये भ्रूण जैसी मुद्रा किस अवस्था में होती है बालक की, तो ये होती है जब नवजात शिशु जब होता है, तो इसी तरह से ही ऐसे ही भ्रूण की अवस्था में, मतलब सिकुड़ा हुआ सा वो लेटता है। तो आपसे पूछे कि भ्रूण जैसी अवस्था किस अवस्था में होती है, आपसे वहाँ पे लिख दें कि 0 से 1 माह, 1 से 2 माह, 2 से 3 माह, 3 से 4 माह, ऐसा आपको लिख दें, या लिख दें नवजात, फिर लिख दें 0 से 2। तो नवजात जैसे ही शिशु होता है, नवजात होता है, तो उसकी जो मुद्रा होती है वो भ्रूण जैसी मुद्रा होती है। दूसरा है ठोड़ी का संभालना, इस तरह से ठोड़ी को संभाल के, ठोड़ी के द्वारा जब एक बालक बैठता है, ये ठोड़ी होती है उसको, उसके जरिए उस आप खुद के छाती के दम पे नहीं लेटता है, जब वो ठोड़ी के दम पे लेटता है तो वो कौन सी अवस्था होती है, किस माह में बच्चा ठोड़ी के दम पे लेटता है, तो वो होती है 1 माह। जब बालक 1 माह का हो जाता है तब वो अपनी ठोड़ी को संभालना सीख जाता है। तीसरा है छाती को संभाले रखना। देखिए, इस तरह से छाती के बल पे जो लेटना स्टार्ट करता है वो होता है 2 माह। ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी बालक जो है अपनी छाती को संभाल के कब लेटना आरंभ करता है, या ये बोल दें कि छाती को कब संभालना सीख जाता है, नवजात, 1 माह, 2 माह, 3 माह, ऐसा ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको याद रखना है, जब बालक 2 माह का होता है तब वो छाती को संभाले रखना सीख जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक किसी कहीं के भी सुपरवाइज़र के नोट्स नहीं लिए हैं और आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे महिला सुपरवाइज़र का पैकेज परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार की बुकलेट मिलेंगी, इसका पूरा रिव्यू भी मैंने बना दिया है। रिव्यू की जो वीडियो डिटेल है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक एक बुक का जो 7 बुकलेट ये आपको टोटल मिलती हैं, साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, और ये आपके घर पर पहुंचेंगी। 1399 रुपये प्लस कुरियर इसका चार्ज है, और आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से टोटल 7 बुकलेट हैं। ये इनके साथ आपको ये इस प्रकार का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 3000 MCQ का है, बाइंडिंग किया हुआ प्रैक्टिस सेट आएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको एक टेस्ट पेपर का भी काम करेगा, आप स्वयं अपने टेस्ट भी इसमें दे सकते हैं। इस प्रकार से ये 7 बुकलेट रहेंगी, इसमें 3000 MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित रहेंगे, 1000 वॉल लाइनर भी रहेगा साथ में, जिसमें संपूर्ण सारांश प्लस करंट रहेगा। इन सब के साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस रहेंगी एग्ज़ाम तक की, उनकी सबकी PDF वहाँ पर दी जाएगी, वहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, मतलब ऑफलाइन आपको नोट्स दिए जाएंगे और ऑनलाइन आपको ग्रुप में पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये पूरा पैकेज ओनली 1399 रुपये का है। नोट्स में आपको थ्योरी भी मिलेगी, वनलाइनर भी मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, बहुत सरल भाषा में जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया गया है, और बहुत ही साधारण सी भाषा में इनको तैयार किया गया है, ताकि आपको पढ़ने में बर्डन ना लगे। और साथ में ग्रुप में भी हम आपको डेली, अभी तो ग्रुप स्लो है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप में पढ़ाने की स्पीड भी बहुत तेज़ होती जाएगी, और आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल मिलेगा। तो ऑनलाइन मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा, ऑफलाइन आपके घर पहुँचेगा। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है
6260190944। नई स्वास्थ्य नीति हो, चाहे ICMR की रिपोर्ट हो, चाहे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था NFHS 5 उसकी रिपोर्ट हो, ये सभी हमने कवर किया है। पूरे करंट योजनाएं जो अभी 2022-23 में आई हैं, 22-23 के बजट में जो भी योजनाओं आई हैं, 2021-22 के बजट में आई हैं, उन सभी योजनाओं को कवर किया। ये 7 बुकलेट टोटल आपको मिलती हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके के ये नोट्स हैं। अब है सहारे से बैठना। किस उम्र में बच्चा सहारे से बैठना स्टार्ट कर देता है, मतलब किसी के सहारे पे बैठना स्टार्ट करता है, तो 4 माह का जब बालक हो जाता है तो वो सहारे से बैठना स्टार्ट कर देता है। अब आपसे पूछें कब वो खुद से, जब उसको सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, तो खुद से बैठना कब आरंभ कर देता है, तो खुद से बैठना कर देता है 7 माह। ये एक एवरेज जो है विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं। विकास की जो दर होती है वो हर बच्चे में अलग अलग होती है। हो सकता है कोई 6 माह में बैठना स्टार्ट कर दे और कोई 8 माह में बैठना स्टार्ट कर दे, तो ये परिपक्वता विकास की दर भी अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है। तो अकेले बैठना कब आरम्भ करता है, 7 माह में। फर्नीचर की सहायता से कब आरंभ करता है बच्चा, तो फर्नीचर की सहायता से आरंभ करता है 9 माह में। जब बालक 9 माह का हो जाता है तब वो फर्नीचर की किसी की, आपने देखा होगा बच्चों के लिए वो खड़े होने के लिए आती है, गाड़ी आती है, वो उस पर खड़े उस पर चलना सीखता है, किसी के सहारे टेबल के सहारे बेड के सहारे पकड़ना सीख जाता है, तो वो किस माह में सीखता है, जब बच्चा 9 माह का हो जाता है। देखिए एक चित्र दिख रहा है आपको कि किसी के सहारे बच्चा जो है वो किसी के सहारे खड़ा हुआ है, सहारे से खड़ा होना सीखता है। तो अकेले बैठा, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है बहुत बार कि अकेले बैठ, बच्चा अकेले बैठना बिना किसी की सहायता से बैठना कब आरंभ कर देता है। कि ऑप्शन दे देंगे आपको 3 माह 4 माह 5 माह, तो 7 माह में। जब बच्चा 7 माह का हो जाएगा तब अकेले बैठना आरंभ कर देगा। फ्रेंड मेरे वीडियोज़ ऐसे ही आएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो आएंगे जहाँ पर डिटेल की ज़रूरत है, जैसे कल कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अलग से ही इसके लिए पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो में, वैसे पूरे पूरे सिद्धांत जो हैं वो भी एक साथ आपको लेके आऊँगी। नोट्स में भी अलग से भी लिखे हुए हैं सिद्धांत, इधर भी मैं वीडियो में भी आपको अलग से पूरे सिद्धांत लेके आऊँगी ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। फर्नीचर की सहायता से कब खड़ा होना होता है, 9 माह का जब हो जाता है तब होता है। इसके बाद वो रेंगना घसीट कर चलना कब आरंभ करता है, आपने देखा होगा रेंगते हुए घसीट कर चलता है बच्चा, तो वो कब करता है, वो चलता है 10 माह का। जब बच्चा 10 माह का हो जाता है तो वो रेंग कर घसीट कर चलने लगता है। सहारे से चलना, सहारे से अभी हमने पढ़ा था, सहारे से बैठना 4 माह में, अब वो बोल रहे हैं सहारे से चलना। सहारे से चलना स्टार्ट कर देता है 11 माह में, जिसको शैशवावस्था भी बोलते हैं। बिना सहारे के अकेले खड़ा किस माह में हो जाता है, 11 माह में वो अकेला खड़ा होना सीख जाता है और 12 माह में वो अकेले चलना सीख जाता है। जब वो 11 महीने का होता है तो वो अकेले क्या होता है, खड़ा होना सीख जाता है, और जब वो 12 महीने का हो जाता है तो बिना सहारे चलना सीख जाता है। तो ये बाल्यावस्था की विभिन्न मुद्राएँ थी, भूड़ जैसी मुद्रा, ठोड़ी का संभालना, छाती को संभाले रखना, सहारे से बैठना, अकेले बैठना, फर्नीचर की सहायता से खड़े होना, रेंगना घसीट कर चलना, सहारे से चलना, अकेले खड़ा होना 11 माह, अकेले चलना 12 माह, अकेले बैठना 7 माह, सहारे से बैठना 4 माह, ये 2 माह, और छाती को संभालता है 2 माह में, और ठोड़ी को संभालता है 1 माह में, और भूड़ जैसी मुद्रा रहती है नवजात में, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये है कि बालकों की आयु में जब किस अवस्था में बालक का शब्द भंडार कितना होता है, तो जैसे कि जन्म से 8 माह तक उसके पास कोई भी शब्द नहीं होता है, वाह 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 यही करता है, बबलाता है, उसको बोलते हैं 0। जन्म से 8 माह तक उसके पास कितना शब्द भंडार रहता है, 0। 9 माह से 12 माह तक उसके पास 3 से 4 शब्द आ जाते हैं, बाबा मामा चाचा मामा, तो ये शब्द आ जाते हैं उसके पास 9 से 12 माह तक। इसके बाद जब वो 1.5 से 1.5 वर्ष का होता है तब उसके पास 10 या 12 शब्द होते हैं, भंडार 10 या 12 शब्द का होता है। जब बच्चा 2 वर्ष तक हो जाता है तो उसके पास 272 शब्द हो जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चा जब 2.5 वर्ष का हो जाता है तो उसके पास 450 शब्द हो जाते हैं। 3 वर्ष का बालक के पास 1000 शब्द होते हैं। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि आपके जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो उसके पास शब्द भंडार कितना होता है, तो 1000 होता है। 3.5 वर्ष तक कितना होता है, 1250। जब बच्चा 4 वर्ष तक होता है तो उसके पास कितना शब्द भंडार होता है, 1600 शब्द भंडार होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब उस पर कितना होता है, 2100 शब्द का भंडार होता है।
जब बच्चा 11 वर्ष का होता है तब उस पर कितना होता है 50,000 शब्द का भंडार होता है। 14 वर्ष तक के बच्चों पर 80,000 शब्द का भंडार होता है और 14 से आगे का जो है उसके पास 1,00,000 से अधिक शब्द का भंडार हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस अवस्था में कैसे चलता है, इसके बाद किस माह में उसके पास कितने शब्द भंडार होते हैं, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।